अभी मैं पहुंच चुका हूं गांधी मैदान बुक स्टॉल जो यहां पे लगे हुए है, देख सकते हैं आप। यहां पे न्यू बुक, ओल्ड बुक, सारे नए पुराने किताब मिलते हैं आपको। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है। आप देख सकते हैं किताब को सारे तिरपाल से ढका हुआ है, तो अभी उतनी भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन अभी ये शुरुआत हो रहा है, अभी ये दुकान लगाना शुरू किए हैं, दोपहर के बाद से यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी किताब खरीदनी हो आपको, नए बुक, पुराने बुक, सब आधे दाम में मिलते हैं आपको। ये नहीं कि पुरानी बुक आधे दाम में मिलती है, नई बुक पूरे दाम में, ऐसा नहीं है। नए बुक भी आधे दाम में मिलती है यहाँ पे आपको, जो भी प्रिंटेड प्राइस होगा उसके आधे दाम में मिलेगा यहाँ पे। सारे करेंट अफेयर, सारे कॉम्पिटेटिव बुक, चाहे किसी भी फील्ड के हो, सब मिल सकते हैं यहाँ पे। तो जो किताब अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है पूरे बिहार में, आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। ये आपको गांधी मैदान गेट नंबर 7 के सामने है। देख सकते हैं आप कि कितने बेहतरीन तरीका से ये चौंका गया है पूरा ये किताब। ये देख रहे हैं किस तरह ये सजा कर रखा गया है। ये एक तरह से ये बुक का खदान ही है, ये किताब का खदान है ये जगह। और ये जो अंकल यहाँ पर बैठे हुए हैं राइट साइड में, आप देखेंगे यहीं से मैंने 2-3 किताब लिया है, करेंट अफेयर और कॉम्पिटेटिव बुक्स। यहाँ जस्ट रोड के बगल में है, तो रोड उस पार है गांधी मैदान, और गांधी मैदान गेट नंबर 7 वहाँ पर आप आ सकते हैं और वहाँ से सीधा आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। पूरे किताब की ये दुकान लगे हुए हैं, जो भी किताब चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं क्रॉस करके इसके बाद पार जाऊँगा उस पार और इन करता हूँ और के गांधी मैदान में। ये देखिए सामने है साइड में, इधर भी सारी ये मार्केट लगी हुई है किताब की, और आगे की तरफ भी लगा हुआ है। अभी शुरुआत हो रहा है, धीरे धीरे और भी लोग आएंगे, अपने स्टॉल पूरे लगाएंगे यहाँ पे। से मैं ये पूछ रहा था किताब के बारे में प्राइस के, तो ये भी वही बता रहे थे कि नया बुक लीजिए या पुराने बुक, सब आधे दाम में मिलेंगे आपको। मैं क्रॉस करके उस पार जाऊंगा। यहाँ पे गाड़ियाँ लगातार चलती रह रही है रोड पे, तो बहुत संभाल के क्रॉस करना होगा, इस बात का ख्याल रखें। अभी गेट नंबर 7 हम देख सकते हैं, जस्ट उसी बुक स्टॉल के पास से मैं निकला, गेट नंबर 7A।
और यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाइए, देखिए गांधी मैदान की ग्राउंड। काफी बड़ा फील्ड है ये, विश्वकुमार भवन यहाँ से दिख रहा है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग, और गोल घर भी सामने ही है गेट नंबर 1 के पास, और वो भी विश्वकुमार भवन गेट नंबर 1 के पास ही है। और फील्ड देख सकते हैं आप, उसी के सामने सबसे लास्ट में यहाँ नहीं दिख रहा है स्टेज है, जो भी सेलिब्रिटी या नेता आते हैं तो वहीं से अपना उसी स्टेज पर चढ़ के भाषण भी देते हैं वो। और बाकी है फील्ड, बच्चे उधर कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए चेयर लगे हुए हैं व्हील चेयर। पटना ये नेचुरली देखा जाए तो कुछ खास अच्छा शहर नहीं है उतना, फिर भी ठीक ठाक ही शहर है ये, स्टूडेंट के लिए ठीक शहर है ये।